दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। ITPP की भर्ती आ चुकी है सफाई कर्मचारी में। ITPP सफाई कर्मचारी की फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको समझ में आ पाएगा। अभी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करना है, अभी तक जिसने भी चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी पहली बार देख रहा है वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिल सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकारी एग्ज़ाम.com पर आ जाना है। आ जाने वाले यहाँ पे देख सकते हैं ITPP कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है। जनरल OBC डबल कैंडिडेट की 100 रुपये फीस है और SC ST के लिए जीरो बैलेंस है दोस्तों। 28 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंटिंग की जाएगी 26/8/2024 के हिसाब से। मिनिमम आपकी 18 ईयर है और मैक्सिमम आपकी सफाई कर्मचारी में 25 है और बाकी 23 ईयर दे रखे हैं। नीचे आना है, अगर आप सफाई कर्मचारी का बनना चाहते हो तो 10 हाई स्कूल आपसे मांगा जा रहा है। हाइट 1.70 हाइट है और 1.57 फीमेल की है। चेस्ट 80 से 85 के बीच है। रनिंग 1600 मीटर है 7.5 मिनट में। फीमेल की 800 मीटर है, वो भी 4:45 मिनट में। ठीक है दोस्तों, नीचे आए गए, यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन के समय के लिए गिरा है, इस पर क्लिक कर देगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन नाउ एंड लॉगिन का, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम डालिए, लास्ट नेम डालना है, ईमेल ID डालना है, कंफर्म करने के लिए दोबारा से ईमेल ID डालना है, पासवर्ड आपको दो बार डालना है, जो कि इस तरह का पासवर्ड रहने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से पासवर्ड आप बना सकते हैं, जैसे कि नाम का बड़ा अक्षर और बाकी स्मॉल, और उसके बाद @, उसके बाद कोई भी नंबर रख सकते हैं या @ बाद में भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन एक रखना पड़ेगा, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे वो आप रखिए। उसका आंसर आपको देना है, जो भी आप 6 डिजिट में आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये कैप्चर मिलेगा, कैप्चर डालना है और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी जो ईमेल ID है उस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक को जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे ही आप उस पर एक्टिवेट कर दोगे तो आप समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अब रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको करना है लॉगिन, तो लॉगिन करने के लिए क्लिक है टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, आपकी ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आपकी आ जाएगी। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी एड्रेस है वो डाल देंगे। अगर दोनों एड्रेस हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अलग अलग तो अलग अलग डाल देना, वो आप देख लेना। उसके बाद नीचे आना है, आपसे धर्म पूछा जा रहा है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा आपका, अगर आप नेपाल लिया या भूटान से है तो देख लेना, हिंदू इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नो ही करना है, स्पोर्ट कोटा का अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो नो। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे जो है वो मांगी जाएगी। मान लिया आपके पास मतलब कि जो हाई स्कूल तो आपकी कंपलसरी है ही है, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको सिंपल सा या तो आप इंटर की डिटेल डाल सकते हैं या ITI की ऐड कर सकते हैं, जो भी है आपके पास इनमें से आप ऐड भी कर सकते हैं, ITI की या 12th आपने सिंपल 12th किया हुआ है या साइंस वगैरह से, वो आप देख लेना। PCB से किया हुआ है, PCB का भी ऑप्शन है, PCM का भी ऑप्शन है और बाकी सिंपल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बाकी यहाँ पर कंपलसरी हाई स्कूल तो यही है,
ठीक है दोस्तों, तो ये हाई स्कूल आपका होना चाहिए। उसके बाद नीचे आना है, मेल है या फीमेल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है इनमैरिड है वो सेलेक्ट करेंगे, आपकी जाति कौन सी है, एस सी है, एस टी, ओ बी सी, जो भी है वो आप जाति अपनी सेलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो भी आप एम्प्लॉयड है इनमें से देख लीजिए, नहीं तो आपको प्राइवेट अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आपको टिक होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपलोड इमेज, इस पर आप क्लिक करोगे। तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपके दिखा दिए जाएंगे, आपके अपलोड हुए हुए मिलेंगे अपना आप ही। अब आपको कुछ नहीं करना, सबमिट पर क्लिक कर देना है इन दोनों को चेक करने के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद अप्लाई का, अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। एक तो आपको सफाई कर्मचारी की मिल रही है और एक बारवर की मिल रही है वैकेंसी। तो मैं यहाँ पे ऐसे से फॉर्म को फिल करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं सफाई कर्मचारी की अप्लाई जीरो फीस एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये आपको चेक कर लेना है, चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको यहाँ पर फिर से आई एग्री करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों सबमिट कर दोगे तो आपका जो है फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप जनरल ओबीसी डल्स कैंडिडेट है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपये का, आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर आप एस सी एस टी वाले हैं, एक्स सर्विस मैन है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और फीमेल के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से आपको सबमिट करने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप दोस्तों अपना सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर सकते हैं और साथ में पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी चाहे उससे आप पेमेंट अपनी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आईटीबीपी सफाई कर्मचारी की वैकेंसी बताई है आपके समझ में आ गया होगा कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर अभी भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।